बेकरार तुम भी हो तो बेकरार हम भी हैं, उस बाबा भीम के कर्जदार तुम भी हो तो कर्जदार हम भी हैं। और आज क्या हालात हो गए हैं देश में प्रदेश में, इसके जिम्मेदार तुम भी हो तो जिम्मेदार हम भी हैं, जिम्मेदार हम भी हैं। इसके साथ मैं अपने वक्ता को आपके सामने लाना चाहता हूँ, माननीय एडवोकेट चंद्रभान विमल जी, जो राष्ट्रीय महासचिव होते हैं भारतीय मूल निवासी संगठन, सम्मान आमंत्रित हैं विमल जी। आज की इस मूल निवासी वैचारिक क्रांति महासम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे भारतीय मूल निवासी संगठन के हमारे बड़े भाई इंजीनियर धर्मेंद्र प्रकाश गौतम जी मंच पे उपस्थित, सम्मानित साथियों सभा में उपस्थित मेरी बहनों माताओं और तमाम साथियों, साथियों जो छह मुद्दे रखे गए जिनमें सरकारी नौकरियों में आरक्षण, महिलाओं पे होते हुए बढ़ते हुए बलात्कार शोषण, गाय के नाम पर हमारे मुस्लिम भाइयों की हत्या, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो हमारी इंसानियत को झकोर कर रख देते हैं कि हम इंसान के इस मुल्क में रहते हैं तो इंसान का, इंसानियत का एहसास होना चाहिए। साथियों इन सारी समस्याओं का कारण क्या है, जैसा मैंने समझा बाबा साहब को जब से मैंने जाना तो उन्होंने बताया था, उन्होंने अपनी किताबों के माध्यम से बताया, तो उन्होंने जो बताया अपने जीवन का पूरा एक संघर्ष, जब वो स्कूल में पढ़ते थे एक समाज में रहते थे तो इस शिक्षा से वंचित, शिक्षा के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा संघर्ष किया, इस देश में बैठे हुए वो इंसानियत के दुश्मन उन्हें पढ़ना देना नहीं चाहते थे, इंसानों को पानी की समस्या को उन्होंने महसूस किया कि उन्हें भी पानी पीने के लिए, जब एक विश्वविद्यालय में लेक्चरार थे तो वहाँ पानी पीने तक की व्यवस्था उनके लिए नहीं, तो ये सारी समस्याओं को देखकर उन्होंने महसूस किया कि ऐसी व्यवस्था को किसने बनाया और उस व्यवस्था को उन्होंने समझा कि तो सारी चीजें निकल के आई कि ये व्यवस्था एक पुस्तक के माध्यम से कुछ इंसान यहाँ लागू करना चाहते हैं। उस पुस्तक का नाम था मनुस्मृति। तो साथियों कुछ वर्ग जो यहाँ पर इंसानियत के विरुद्ध एक मानसिकता बनाकर बैठा है, वो इंसानियत के विरुद्ध एक धर्म बनाकर बैठा है, वो जानवरों को तो इंसान से बड़ा मान सकता है लेकिन इंसानों को इंसान नहीं मान सकता। लेकिन वो अधर्मी हम लोगों को नीच मान रहा है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क इस बात से पड़ता है कि हम लोग उसकी व्यवस्था को मान रहे हैं, उस अधर्म के चक्कर में पड़े हुए हैं। जब तक हम उस अधर्म को नहीं छोड़ेंगे, वो अधर्म जब तक हमें स्वीकार रहेगा, हमारी बहनों के साथ
हमारे बच्चों के साथ तमाम समस्या खड़ी होती रहेगी, हमारे साथ सारी तमाम समस्या खड़ी होती रहेगी। और इसीलिए बाबा साहब ने 1927 में मनुस्मृति दहन की थी कि मैं इस धर्म को नहीं मानता और इस धर्म को मैं फूंकता हूं। तो साथियों, हमें भी उस अधर्म को छोड़ना होगा, अपने लिए छोड़ना होगा, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ना होगा, नहीं तो हम लोग उन मनुस्मृति उन अधर्मी लोगों को शासन सत्ता में समाज में बढ़ाते रहेंगे। और वो जब जब शासन सत्ता पर बैठेंगे, समाज के नेतृत्वकारी बनेंगे, तो इंसानों को उनके अधिकार उनके हक से वंचित करेंगे। तो साथियों, आपको बाबा साहब की उन तमाम चीजों को समझना होगा कि शुरुआत कहां से की, लेकिन आज भी 1927 से आज 2019 हो गई, 92 साल हो गए, लेकिन आज उन्होंने हमारे समाज को फिर मानसिक गुलाम बना लिया। ज्यादातर हमारी जो महिलाएं हैं वो इन चक्करों में पड़ी हुई हैं, और महिलाओं के द्वारा ही जो बच्चे एक सभ्यता जो सीखते हैं वो सारी चीजें वो उल्टी सीधी सीख लेते हैं, और घरों में जो है वो धर्म हमारे घुस जाता है। जो 92 साल पहले बाबा साहब एक व्यवस्था से हमें बाहर निकालने का प्रयास किया था, आज तीसरी पीढ़ी चल रही है, हम नहीं निकल पाए, हम जबरदस्ती अपने आप को उस व्यवस्था में फंसाए बैठे हैं। तो साथियों, हमें अपनी माता बहनों को भी, अपने बच्चों को भी बाबा साहब की विचारधारा से अवगत कराना होगा कि हमारा दुश्मन कौन है। उन्होंने खुलेआम कहा कि अछूतों के आंदोलन का मतलब स्वर्ण हिंदुओं से खुला युद्ध। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? स्वर्ण हिंदू कौन है ये जो आज के 10% आरक्षण लेने वाले लोग हैं? ये जब उस 92 साल पहले, हजारों साल पहले नहीं बदले तो आज भी नहीं बदलेंगे। तो साथियों, हमें ये तमाम बातों को यहां से नोट करके जाना है, अपने समाज में ये बातें फैलानी है कि यहां अधर्मी जो लोग हैं उनसे किसी तरीके का संबंध नहीं रखना है, ना ही धार्मिक रखना है, ना सामाजिक रखना है, ना राजनीतिक रखना है। हमारा कुछ नहीं जाना चाहिए उनके पास, और उनकी कोई भी अधर्मी बातें हमें भी स्वीकार नहीं होनी चाहिए। इन्हीं तमाम बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।